चार्जिंग आईसी ठीक। और यही सप्लाई आपकी साथ के साथ कहाँ जाएगी? ड्राइवर आईसी। तो यहाँ से 28 वोल्ट आउटपुट होगा, ये इसका गेट यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका गेट कंट्रोल सर्किट। तो ये कंट्रोल किया जाएगा कौन से सिग्नल के थ्रू? एसी ओके, या फिर नाम होगा इसका एसी ई, इस सिग्नल के द्वारा कंट्रोल जाएगा। इस तरह से आपका, और ये पी चैनल होता है यदि, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बना के वोल्टेज को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड करके आपके इनपुट कर दिया जाता है, ये आपका आउटपुट होगा। और ये जीनेट डायोड होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, जो ही अगर इसकी वैल्यू है जिस हिसाब से वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे कर दिया कि 24 वोल्ट से ज़्यादा आगे पास नहीं हो सकता, तो जब भी 24 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई होगी, ये जीनर डायोड क्या करेगा, ब्रेक होके शॉर्ट होके क्या करेगा, सारी सप्लाई को क्या कर देगा, काम कर देगा। जितने G4 G6 इस तरह के जो भी बोर्ड होते हैं, G6 G4 R13 R26 R23 ठीक है, जो भी 61 62 जो भी हैं, जो सीधे सीधे बंदूक टाइप के जो बोर्ड हैं, गन बोर्ड, उसमें मैक्सिमम में ये लगा हुआ मिलेगा ठीक। सो यहाँ पे जो सप्लाई अब जनरेट होती है इस वाले पॉइंट पे, यही मेन आपकी 19 वोल्ट सप्लाई और कहलाती है, इसी को पावर एस आर सी बी प्लस बोलते हैं, या डीसी बैट आउट बोलते हैं, या पावर एस आर सी। ये मेन सप्लाई है 19 वोल्ट, जो पूरे बोर्ड में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे ठीक है। इसके अलावा इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी ब्रीफली डीपली डिस्कस किया जाएगा फुल डे क्लासेस में,